नमस्कार। अस्थमा के मरीजों को कान का भी खास ख्याल रखना चाहिए। योगा के अनुसार क्या करना चाहिए, हंसा जी बताएंगे। हमारी इस तरह की रचना है कि कान, नाक और गला ये अंदर से मिले हुए हैं। अगर गले में कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसका असर कान पर पड़ेगा, नाक पर पड़ेगा। नाक बंद हो तो कान पर असर है, गले पर असर है। इसलिए जब भी हम सर्दी, अस्थमा इसकी बात करते हैं तब कान का ध्यान देना, गले का ध्यान देना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। कान के आसपास ये जो भाग है यह हमारा बैलेंसिंग मैकेनिज्म भी है, इसलिए इस भाग को हमेशा गर्म रखना, यहाँ धूप लेना बहुत फ़ायदा करता है। तो उसके आसपास अगर हाथ फिराएं, जिसको योग में कर्ण धोती कहते हैं, या इस तरह घर्षण देना हाथ से, यूं ही बैठे बैठे कभी करना ज़रूरी है। उसी तरह कान के अंदर हमारी छोटी उंगली डालकर या पहली उंगली डालकर भी गोल गोल इसे घुमाएं। ये अगर स्नान करने की बात करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय उंगली जरा सॉफ्ट होती है, चमड़ी थोड़ी ह्यूमिड होती है, तो कान के अंदर का कंजेशन भी हटने में मदद मिलती है। इसलिए अगर नाक बंद है तो कान का भी ध्यान रखना है, ये भूलिए मत। और कान के लिए रोज़ स्नान करने के बाद में उंगली घुमा लेंगे तो हमेशा फ़ायदा रहेगा, जरूर करिएगा। जॉन्डिस या पीलिया की बीमारी हो तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं, डॉक्टर तुषार शाह बताएंगे। जॉन्डिस अगर आपको हुआ है तो आपके घर वाले आपका बहुत ध्यान रखेंगे, लेकिन इस ध्यान रखने में कुछ गलतियां भी हमसे होती हैं। जॉन्डिस में पहली बात ये गलत होती है कि खाना बहुत ही रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तेल नहीं लेना है, मिर्च मसाले नहीं लेने हैं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये गलत है। अगर आप जॉन्डिस के मरीज को ऐसा खाना देंगे जो स्वादिष्ट ना हो तो वो खाना ही बंद कर देगा और इससे प्रॉब्लम बढ़ते हैं, घटते नहीं। जॉन्डिस में तेल बिल्कुल मना है ऐसा नहीं है, जॉन्डिस में मिर्चियाँ बिल्कुल मना है ऐसा नहीं है, जॉन्डिस में चिकनाहट यानी बटर या घी मना है ऐसा भी नहीं है। तो डॉक्टर को ठीक तरह से पूछें कि क्या मना है क्या नहीं। आपको अगर उल्टियाँ होती हैं तो कुछ चीज़ें ज़रूर मना हो सकती हैं, लेकिन हर एक पेशेंट को सब मना है ऐसा नहीं है। दूसरी एक बात रेस्ट की, जॉन्डिस अगर हुआ है तो पलंग में पड़े रहो, कुछ नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, काम नहीं करना है, नहाना धोना नहीं है, ये भी गलत है। जॉन्डिस के पेशेंट नहा धो सकते हैं, घर में घूम सकते हैं, अगर शरीर में ताकत है तो बाहर भी जा सकते हैं, और कुछ हफ्तों बाद भले ही आंखें पीली हों काम पर भी जा सकते हैं, स्कूल में भी जा सकते हैं। तो जॉन्डिस में कुछ भ्रमणाएं हमें निकाल देनी चाहिए। अगर पेट खराब हो तो थोड़ा सा शहद एक गिलास गर्म पानी में मिलाकर घूंट घूंट पिए, पेट को आराम मिलेगा। नमस्कार।